तो दोस्तों अगर आपने अपने घर में जियो फाइबर लगा के रखा हुआ है तो आज मैं आपको जियो फाइबर के 3 ऐसे बैकअप प्लान के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप यहां पे यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहां पे चार्ट आ चुका है। उसके अलावा अगर आपको यहां पे प्लान चेंज करना है तो प्लान कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने प्लान को कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे बात करते हैं प्लान के बारे में, तो 3 बैकअप प्लान आपको यहां पे देखने मिलेगा। पहला प्लान आया है ₹198 में आपका 18% जीएसटी ऐड होगा, तो उसके बाद ये प्लान बन के आएगा जिसमें आपको जो स्पीड मिलेगा 10 Mbps का स्पीड देखने को मिल जाएगा। पर इस प्लान में आप यहां पे जियो टीवी सेटअप बॉक्स को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आप यहां पे अपना मोबाइल को यूज कर सकते हैं, वाईफाई को यहां पे यूज कर सकते हैं और ये आपको बैकअप प्लान मंथली का देखने को मिल जाता है। दूसरा जो प्लान आपको बैकअप प्लान मिलेगा वो मिलेगा ₹298 का और इसमें अलग से आपका 18% जीएसटी ऐड होगा और इसमें जो स्पीड मिलेगा 10 Mbps का स्पीड देखने मिल जाएगा। और इस प्लान में दोस्तों आपको यहां पे अपना जियो टीवी है वो यूज कर सकते हैं और ये प्लान में आपको 7 OTT एप्स देखने मिलेगा और 400+ चैनल आप यहां पे यूज कर सकते हैं जियो टीवी में। और तीसरा प्लान यहां पे आता है ₹398 का प्लान, ये नया प्लान यहां पे आया है जिसमें ₹398 में अलग से आपका 18% जीएसटी ऐड होगा और ये जो स्पीड इसमें मिलेगा 10 Mbps का स्पीड देखने मिल जाएगा जिसमें आपको 14 OTT एप्स देखने मिलेगा और 550+ यहां पे चैनल आपको मिल जाएगा और इसमें आप जियो टीवी सेटअप बॉक्स को यूज कर सकते हैं। ये 3 प्लान आपको बैकअप प्लान देखने मिलेगा। उसके अलावा आपको और भी प्लान मिल जाते हैं, जैसे ₹399 का प्लान मिलेगा। अगर ये प्लान यूज करते हैं तो आपको 30 Mbps का स्पीड मिलेगा पर इसमें आप जियो टीवी सेटअप बॉक्स यूज नहीं कर सकते हैं ना कोई भी OTT एप्स देखने मिलेगा। 499 का प्लान है, इसमें 300 Mbps का स्पीड मिल जाएगा, 7 OTT एप्स यूज कर सकते हैं, 400+ चैनल यहां पे यूज कर सकते हैं और जियो टीवी सेटअप बॉक्स को यूज कर सकते हैं। ज्यादा अभी यहां पे जो प्लान चलता है वो चलता है 599 का प्लान जिसमें आपको 30 Mbps का स्पीड देखने मिल जाता है, 14 OTT एप्स मिलता है, प्लस 550 यहां पे आपको चैनल मिल जाता है और जियो टीवी सेटअप बॉक्स आप यहां पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको 699 का प्लान है, 899 का प्लान है और ये प्लान में आपका Mbps बढ़ता नजर आएगा। 699 में आपको 100 Mbps का स्पीड देखने मिल जाएगा, 999 का है, 1499 का है, 2499 का है, 3999 का है और 8999 का है। नीचे में आपको पूरा क्लियर होगा कि यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि 15 OTT एप्स में आपको कौन कौन सा OTT एप्स देखने मिलेगा, 14 OTT एप्स अगर यूज करते हैं उसमें कौन कौन सा OTT एप्स यहाँ पे मिलेगा वो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, तो ये 16 OTT एप्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि जो भी प्लान अगर आप यहां पे लेते हैं उस प्लान को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना माई जियो एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे माई जियो एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करने के बाद आप यहां पे देखिएगा स्क्रीन में फाइबर वाला ऑप्शन ऊपर में मिलेगा, फाइबर पे आपको क्लिक कर देना है और माई जियो एप्लीकेशन को आपके मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपने दिया था जियो फाइबर में, उसी से आपको यहां पे रजिस्टर करना है। तो आपका जो जियो फाइबर है वो नंबर भी आपको यहां पे जियो फाइबर में क्लिक करने पे देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको यहां पे प्लान देखने मिलेगा, कौन सा प्लान आपका यहां पे चल रहा है तो वो आपको यहां पे देखने मिलेगा और नीचे में डाटा स्पीड यहां पे शो हो जाता है कि इस प्लान में आपको कितना Mbps का डाटा यहां पे मिल रहा है। साथ में नीचे जाइएगा तो माई सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपने कौन कौन सा OTT एप्स यूज करना है वो आपको पूरा OTT एप्स यहां पे देखने मिलेगा, इस प्लान में कौन कौन सा OTT एप्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 साल का आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। प्लान चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा पेमेंट वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा माई प्लान का, उस माई प्लान पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे माई प्लान पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखिएगा जो भी आपका प्लान चल रहा है, जैसे मेरा चल रहा है ₹399+₹200, मतलब ₹599 का प्लान चल रहा है जिसमें 14 OTT एप्स मिल रहा है और 6 मंथ का मैंने यहां पे प्लान लिया था और ये प्लान अब यहां पे खत्म हो चुका है। आपको प्लान अगर चेंज करना है तो आपको यहां पे चेंज प्लान वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहां पे देखिए प्लान देखने मिलेगा 30 Mbps का है, 100 Mbps का, 150 Mbps का है, 300 Mbps का, 500 Mbps का है और 1 Gbps का स्पीड आपको यहां पे मिल जाएगा। 30 Mbps का यूज करना चाहते हैं तो एक प्लान आपको यहां पे देखने मिलेगा और अगर आप यहां पे देख सकते हैं 100 Mbps का प्लान देखें तो आपको यहां पे शो हो जाएगा। तो जो आपको यहां पे प्लान अगर चल रहा है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए 100 Mbps का लेना चाहते हैं तो आपको यहां पे बाय वाला ऑप्शन मिलेगा और यहां पे आपको अगर डिटेल चेक करना है तो व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिएगा
तो आपको यहाँ पे पूरा प्लान देखने मिलेगा कि 550 चैनल और कौन कौन सा ओटीटी एप्स आपको यहाँ पे मिलेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देन दोस्तों अगर आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं तो बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन देखने मिलेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं 899 का प्लान दिख रहा है जिसमें यहाँ पे जीएसटी एड होने के बाद 1060 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। और ये जो प्लान इफेक्ट होता है, कोई भी प्लान चेंज करते हैं तो 24 घंटे के बाद ये प्लान यहाँ पे चेंज करता है, तो उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करके इस प्लान को चेंज कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे देखिएगा तो 198 का कोई भी प्लान देखने को नहीं मिल रहा है, ना आपको 298 का प्लान दिख रहा है, ना 398 वाला प्लान देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वो जो आपको प्लान मिल रहा है, वो प्लान मिल रहा है नए यूजर के लिए, और जो प्लान आपको वहां पे दिखेगा वो मिलेगा प्रीपेड यूजर के लिए। अगर आप यहाँ पे पोस्टपेड यूजर है तो ये प्लान आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, वो प्लान सिर्फ प्रीपेड यूजर को मिलेगा, वो प्रीपेड यूजर वाले ही वो प्लान को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।